शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो बेटा सुनो, हम आ गए ना, अब हम तुम्हारे डॉगी को निकाल देंगे, ठीक है? रोना बंद करो, जाओ मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ जाओ, अच्छा बेटा, जाओ जल्दी जाओ। कैसे निकाले अब इस कुत्ते को? आजा आजा चीता चतुर्वेदी, फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए जल्दी। जी मैडम। बिल्लू ट्राई करो, तुम अंदर घुस सकते हो, जाओ अंदर जाओ, कुत्ते को निकालो, जाओ जाओ, कम ऑन बिल्लू, कम ऑन, आओ मदद करो इनकी, आओ चल चल बिल्लू, चल अंदर चल, अंदर चल, और थोड़ा सा चीते कॉकरोच है, बहुत कॉकरोच है। चीता चीता तुम ट्राई करो, हाँ तुम ट्राई करो। मैडम सर हम इतने लंबे हैं कैसे जाएंगे? अच्छा ठीक है, संतोष शर्मा, हाँ पुष्पा जी। मैडम सर हम हमारे घुटने दर्द करते हैं ना, तो हम ऐसे चल नहीं पाएंगे, अब ये जवान बच्चे नहीं जा पा रहे तो हम। करिश्मा सिंह हमें आप ही से आखिरी उम्मीद है। मैडम आप काहे इतनी तकलीफ उठा रही हैं? मैं अपनी भांजी के लिए ऐसा कोई दूसरा रिमोट वाला डॉगी ला दूंगा। क्या खिलौने वाला डॉगी है? चलिए चलिए यहाँ कोई केस ही नहीं बनता, चलिए थाने वापस चलिए। क्या हुआ? मेरी दीदी मेरे डॉग की जान बचाई है, उसे बाहर निकालिए ना। देखो बेटा सुनो, उन्होंने कहा ना कि वो तुम्हें सेम वैसा नया डॉगी लाकर दे देंगे, है ना? ठीक है रोना बंद करो। नहीं मुझे वही चाहिए। प्लीज दीदी प्लीज। मैडम सर हाँ प्यारे अंदर चले गए। प्यारे क्या प्यारे? ऐसे कैसे? प्यारे जी, प्यारे जी बाहर आइए, प्यारे जी बाहर आइए, आप अंदर क्या कर रहे हैं? अरे प्यारे भगवान तुम प्यारे हो गए। बिल्लू आवाज बंद हो गई ना? हाँ चीता वो हमने फायर ब्रिगेड बुलाई थी, उसका क्या हुआ? मैडम सर वो तो अंदर में थे, अभी तक आए नहीं। यार क्या करें क्या करें। पुष्पा जी रस्सी लेकर आइए प्लीज, जाइए पुष्पा जी। हाँ हाँ देखते। प्यारे जी सुनिए, ये तुम्हारा डॉगी? मैडम सर कोई आवाज वगैरह नहीं सुनाई दे रहा, लग रहा पांच बंदों का। अरे निकल लिए, निकल निकल। पुष्पा जी प्यारे, ये लो सर, उनको बोलो हम रस्सी फेंक रहे हैं। प्यारे जी हम रस्सी फेंक रहे हैं, आप रस्सी पकड़कर बाहर आइए, हम सब खींचेंगे। हां रस्सी पकड़िए प्यारे जी, प्यारे जी खींचो खींचो, थोड़ा धीरे खींचो प्यारे, बाहर आइए बाहर आइए बाहर, चलो चलो खींचो 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 पीछे खींचो खींचो। कुत्ता बाहर आया ना? हाँ कुत्ता तो। और कौन गया अंदर? अरे पर आप किससे बाहर आ गए? मैं यहाँ से अंदर गया। हाँ फिर वहाँ से बाहर आया, बाहर आके आपके पीछे खड़ा हो गया। आप सब लोगों को मेरे लिए परेशान होते देख बड़ा मजा आया। प्यारे जी सबसे अच्छी बात ये है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं और ठीक हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब ऊपर वाला किसी एक चीज में कमी देता है तो उसी कमी को आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बना देता है। इस बच्ची की तरफ देखिए, आज आप इस बच्ची के लिए सच में एक हीरो हैं। एक काम करते हैं, अब आपके लिए लड़की हम ढूंढेंगे। मैडम सर करिश्मा सिंह, हमने पहले ही कहा था ये केस शादी का नहीं है, भेदभाव का है, डिस्क्रिमिनेशन का है। जो हमारी सोसाइटी हमारा समाज लोगों के लिए करती है उनके रंग रूप कद काठी वजन के नाम पर, और ये डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं अगले 48 घंटों के अंदर अंदर हम आपके लिए लड़की भी ढूंढेंगे और धूमधाम से आपकी शादी भी करवाएंगे। थैंक यू मैम। 48 घंटे? संतोष शर्मा जितनी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है उसमें जितनी भी लड़कियों के प्रोफाइल है उन सबको कलेक्ट कीजिए, हम एक एक लड़की को खुद चेक करेंगे और इनके लिए सही लड़की ढूंढेंगे। जी मैडम सर। माँ मैं कब मांग भरूंगा? We'll be right back.
आ जाइए तुम। कब से तुम्हारा इंतजार था। शुक्रिया ऊपर वाले का और शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरी जिंदगी में आ गई। शुक्रिया। कहाँ गई लड़की? ये उठो, कहाँ है ये? पकड़ो उसको। आप शादी के मंडप में नहीं बैठे हैं भैया, आप थाना में बैठे हैं। समझ रहे हमारी बात को? सपना से बाहर आइए और चलिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाओ इनकाउंटर के लिए? हाँ इनकाउंटर ही समझ लीजिए। वैसे भी पहली डेट एनकाउंटर से कम तो नहीं होती। पहली डेट? जी हाँ, एक लड़की ने आपको पसंद किया है, उसके साथ आप पहली डेट पर जा रहे हैं। चलिए चलिए तैयार हो जाइए। क्या मैडम जी, वो आप भी मेरे साथ मजाक करने लगी? नहीं 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 भैया, ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। सच में आपको एक लड़की ने पसंद किया और आपसे मिलने आ रही है। वो पास वाला रेस्टोरेंट है ना, वहाँ जाना है हमको ना। मतलब आपका जो पतझड़ वाला दिन था ना, वो चला गया है। अब सूखा रहा है नया नया रंग लेके। हाँ, और ये सब मैडम सर की वजह से हो पाया है। उन्होंने हम सबको ड्यूटी पर लगा दिया था। 24 घंटा हमारा बस एक ही काम था, आपके लिए आपका जीवन साथी ढूंढना, जो मिल गया है। आप समझ रहे हैं? अब आप तैयार हो जाइए जल्दी से। चलिए चलिए सामने वाले होटल में। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू मैम। हाँ बस ऐसा लड़कियों जैसे शर्माना बंद कीजिए। अब जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो एनकाउंटर कर देंगे। मैडम जी जाइए जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है, जाते जाते जाते। करिश्मा सिंह, अपने प्यारे के लिए लड़की ढूंढने में हमारी मदद की, इस बात का तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मैडम सर, आपके लिए कुछ भी। मैडम सर एक सवाल था आपसे, ये जो लड़की प्यारे से मिलने आ रही है, वो मिलने तो आ रही है पर शादी के लिए हाँ करेगी? काहे कि अगर ऐसा नहीं होगा ना मैडम सर, तो प्यारे का दिल टूट जाएगा। और जब दिल टूटता है तो उसका आवाज तो नहीं होता है पर उसका एहसास बहुत गहरा होता है, और वो तो वैसे ही टूटे फूटे हैं। तो आप समझ रहे हैं हमारी बात को? करिश्मा सिंह, कहते हैं कि रिश्ते आसमान में तय होते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि प्यारे के लिए भी कोई लड़की जरूर बनी है, और हो सकता है कि ये जो लड़की जो मिलने वाली है शायद वही हो। ठीक है मैडम सर। वैसे संतु जी, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी बकवास है। और मुझे ये पता नहीं, ये डेटिंग वेटिंग ना चीते बिल्कुल समझ में नहीं आती। मतलब इतना बोरिंग है आजकल, किसके पास इतना टाइम होता? ये तो मैडम सर ने कह दिया, इसलिए मैं यहाँ पे आकर ऐसे हेल्प कर रही हूँ, वरना बहुत ही बोरिंग। और इन शॉर्ट मुझे शादी ना बकवास ही लगता है। हो गई तैयारी? पुष्पा जी, हाँ तो कैमरा लगा दिए हैं, क्योंकि मैडम सर इस पूरा डेट का लाइव ना महिला पुलिस थाना में देखना चाहती, ताकि दुनिया को, बाकी सब पूरा लोग को एग्जाम्पल दे सके कि दुनिया में बहुत सारा अच्छा लोग है जो किसी का शारीरिक कमी नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व का बड़प्पन देखता है। आपको क्या लगता है, वो लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ कहेगी? बिल्कुल कहेगी। हाय गुलाबो। हाय प्यारे। हाँ प्यारे हैं, आपका नाम क्या है? नहीं प्यारे ही मेरा नाम है। ओह सो सॉरी। शायद आप लोग मेरा ही वेट कर रहे थे ना? जी आप ही का इंतजार कर रहे थे। जी जी। वैसे हम अभी निकल रहे हैं, आप लोग आराम से बैठ के इत्मीनान से बातें करो, है ना? बैठो 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 बैठो। टेक योर सीट। अब बैठे ना। टेक योर रोज एंड टेक। चलो चलो हो गया सब। प्यारे भैया। प्यारे जी बैठिए आराम से। काश हमारे लल्ला को ऐसी लड़की मिली होती, इतनी प्यार भरी नजरों से देखने वाली। काश हमारे लल्ला को पता होता कि वो किसी लड़की से नहीं, चंबल घाटियों की डकैत की भरी हुई बंदूक से शादी करने जा रहा है। वो कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी चल सकती है। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। बंदूक बगल में है तो? तो आप एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, और बातें भी आप जेंटलमैन टाइप्स कर ही रहे हैं। दिखने में अच्छे भी हैं। मुझे लगता है एक लड़की के लिए ये सारी क्वालिटीज काफी होती है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में। तो लड़का प्रपोज करता है ना? हाँ वो तो है। सॉरी
फूल कहाँ गया? सॉरी। क्या हुआ? मेरी खाई? नहीं नहीं, it's absolutely fine, it's okay. मुझे शादी मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है। हमें मंजूर नहीं है। काहे मंजूर नहीं है? काहे मंजूर नहीं है? इसकी तो नहीं मैडम, वो हम सुन सकते हैं उन्हें, वो हमें नहीं सुन सकते ना। करिश्मा सिंह, शांत शांत शांत, चलिए चलिए सब। हाँ चलिए चलिए चलिए, अब तो चल गई बंदूक। क्यों मंजूर नहीं है आपको ये शादी? हमें मंजूर नहीं, क्या आपको दिखाई नहीं देता? दुनिया में कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करवाएगा जिसके साथ उसकी बेटी भी एक मजाक बनकर रह जाएगी? पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और आप, मुझे नहीं पता कि आपने मेरी बेटी को क्या कहकर बरगलाया है, जो आपके कहने पर यहाँ तक चली आई, पर मैं अपने जीते जी अपनी बच्ची की लाइफ खराब होने नहीं दूंगा मैडम। ये शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। प्लीज पापा, आप जाने भी दीजिए ना, मेरी भी तो शादी कहाँ हो रही है? ये जैसा भी है ना, ठीक ही है। पापा, अगर मैं इस इंसान से शादी करूंगी ना, तो जिंदगी भर ये मेरा एहसान मानेगा। और वैसे भी इसे कौन मिलने वाली है? हमेशा मेरा पालतू पति बन के रहेगा। क्या? तुम्हारी तो का कहने का मतलब है तुम्हारा? करिश्मा सिंह, रुक जाइए प्लीज। एक मिनट गुलाबो, तुम इनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए शादी कर रही थी? ओ प्लीज मैडम, ये फिल्मी ड्रामा बंद कीजिए। शुक्र मनाइए मैंने इसे शादी के लिए हाँ कर दी है, वरना ये इंसान ना जिंदगी भर कुवारा रह जाता। और मैडम आप ये मत समझना कि मेरी बेटी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। 50 लाख वैसे ही देने के लिए तैयार हूँ मैं। 20 लाख और बढ़ा दिए ना तो मेरी बेटी के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी लाइन। पुलिस के सामने आप दहेज का बात करें, इतना हिम्मत है आप में? दहेज? हम क्या देंगे दहेज? दहेज देना चाहिए इसको, और वो भी उस लड़की को जो लड़की से शादी करेगी। जिंदगी भर इसका बोझ होने का कोई तो फायदा हो उसे। आउट, गेट आउट, बाहर निकल जाइए अभी के अभी। चलो बेटा। प्यारे भैया, प्यारे ये क्या कर रहे हो? रहने दीजिए मैडम, बहुत तकलीफ दे चुका हूँ मैं आप लोगों को, और मैं आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ। अरे प्यारे, प्यारे जी, ऐसे मत करो बड़े भैया। प्यारे जी, नहीं, क्या गलत है इसमें? सही तो कहा उस आदमी ने कि मैं एक बोझ हूँ। जब पैदा हुए तो माँ बाप पे बोझ, बड़े हुए समाज पे बोझ, अब अगर शादी कर लेंगे तो उस औरत पे बोझ। देखो प्यारे, हमारी बस कीजिए मैडम, दया नहीं चाहिए। प्यारे जी, प्यारे, प्यारे जी, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। देखिए प्यारे जी, ऐसे आप हार मत मानिए, और अगर आप ही हार मान लीजिएगा तो कैसे चलेगा ना? किसी को तो भेदभाव खत्म करना पड़ेगा ना। प्यारे जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए, हम आपका दर्द, आपकी तकलीफ सब कुछ बहुत अच्छे से समझते हैं, और अब आपकी तकलीफ पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ, उस लड़की ने और उसके पिताजी ने वहां खड़े होकर जो भी बकवास की है ना, वो सब कुछ हमारे कैमराज में रिकॉर्ड हो गई है, और अब वो फुटेज हम शहर के सारे लोकल न्यूज चैनल्स में भिजवाएंगे। पूरे शहर को, हर इंसान को पता चलना चाहिए कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है। आप भी एक इंसान है, इस समाज के, इस दुनिया के, इस डिस्क्रिमिनेशन से आपको कितनी तकलीफ होती है, ये सबको पता चलेगा। हम वादा करते हैं। बस कीजिए मैडम, और कितना जलील करेंगी मुझे, थक गया हूं मैं ये जिल्लत बर्दाश्त करते करते, अब और नहीं सहा जाता। बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज। प्यारे जी, आपको आपको एक बात का एहसास ही नहीं है, आपको पता है? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आपका हार है? नहीं, बहुत लोगों का हार है अगर आप हारेंगे तो। क्या है कि आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ना किसी शारीरिक विकार के कारण जो जो हार माने बैठे हैं अपने घर में।
हम तो पहले से ही किस्मत के सामने हार चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। बस आपके सामने एक विनती है मैडम, ये सारी बातें बाहर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए मैडम। ठीक है, हम वादा करते हैं। थैंक यू मैम, शुक्रिया। प्यारी जी, प्यारी जी, थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं है हमको भूख, कितनी बार बोले पुष्पा जी। हाँ वैसे हमको भी भूख नहीं है, सबका यही हाल है, किसी को भी भूख। प्यारी की तकलीफ ने हम सबको अंदर तक हिला दिया है। वैसे बात अगर सिर्फ शादी की होती ना तो समझ में आता है, मगर ये गुलाब और उसका नालायक बाप जो सुना कर गया है ना प्यारे को, उस वजह से हमें, अगर उस वक्त हम वर्दी में नहीं होते ना तो उन दोनों को लिटा लिटा के मारते। अम्मा कहना क्या चाहती है पुष्पा जी, आप साफ साफ कहिए ना। हम दोनों चाहती हैं। कौन दोनों? हम और संतु। क्या चाहते हो? यही कि प्यारे की जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी दुनिया के सामने आए, यही तो एक तरीका है उसकी तकलीफ दुनिया तक पहुंचाने का। क्यों संतु? हाँ रहने दो रहने दो, हमेशा ना ही बोलती हो तुम। नहीं पुष्पा जी सुनो तो सही, मैं भी यही कह रही हूँ मैडम कि पुष्पा जी सही कह रही हैं कि ये हमें रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कर देनी चाहिए। हम वही समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रही हैं। नहीं मैडम सर ने प्यारे से वादा किया हुआ है ना। नहीं नहीं करिश्मा मैडम, वो तो मैडम सर ने वादा किया ना, और आपको तो एक्सपीरियंस है उनके अगेंस्ट जाने का। धन्यवाद संतु, लव यू मैडम। चल चल ना यार, चल, चल, सारा शर्म बेच खाया मैडम, सारा शर्म बेच खाया है। करे थोड़ा तो खुरचन छोड़ दिया होता इंसानियत के नाम पर, सीधा साधा जनता को उल्लू बनाता है, आदमी है कि नाड़ा। एक मिनट चीते, का हो गया, का चक्कर है, ये आदमी कौन है? मैडम का बताए, हम लोकल न्यूज चैनल का फर्जी रिपोर्टर है। इस संत जी हम पकड़े संत जी। हाँ हाँ तुमने पकड़ा, आगे बको। मैडम क्या बताए, कितना ज्यादा फालतू आदमी है, अरे सीधा साधा जनता को ना उल्लू बनाया जा रहा है। ये कैमरा इसको मैडम, इसको लेकर ना मैडम कहीं भी जाता है और कहता है ये देखो एलियन निकला है, वो देखो एलियन निकला है। इसको धीरे से कान में बोल देता है कि जो कैमरा है इसको इसे ऊपर करो, ये ऊपर कर लेता है। उसके बाद से खुद यही जाता है, टाट बोरी ओढ़ कर चला आता है, बच्चा सबका 5 रुपए वाला मास्क लगा लेता है और 40 वाट का लाल बल्ब आंख में ला के कूदता है, कहता है कि हम ही एलियन। मुझे माफ कर दो मैडम जी, रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वो टीआरपी का सवाल है ना, तो अगर टीआरपी के लिए नहीं करेंगे प्रपंच तो हमारा चैनल कौन देखेगा? टीआरपी? एमआरपी होता है ना, ये टीआरपी क्या है? नहीं नहीं पुष्पा जी, टीआरपी मतलब पब्लिक रेटिंग। जैसे स्कूल में कभी कभी अच्छे नंबर आते तो हमें कैसे ए ग्रेड मिलता है? नहीं मिला? मिलता था। वैसे जिस प्रोग्राम को जितनी पब्लिक की रेटिंग उतना ही कामयाब प्रोग्राम, और कामयाब प्रोग्राम मतलब उतने ही एड्स, और जितने एड्स उतने ही प्रोडक्ट सेल। मतलब ये जो एड कंपनी होती है ना, सारे प्रोग्राम वही स्पॉन्सर करती है, तो इस टीआरपी से पता चलता है कि आपका प्रोग्राम कितना कामयाब है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। गजब यार, इतनी अच्छी बच्ची को डरा दिया। अच्छा तो फिर ऐसा है तो फिर इन लोगों को भगवान के कार्यक्रम दिखाने चाहिए ना, आम लोगों की परेशानी दिखानी चाहिए। कोई भी खबर हो या फिर टीवी सीरियल, बात दिल से निकलनी चाहिए, दिल से निकली हुई बात ही तो दिल तक पहुंचती है, लोग भावनाओं से ही तो जुड़ जाते हैं, और भावनाएं किसमें नहीं होती। वाह पुष्पा जी, अच्छा ना, मतलब हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि बहु के खिलाफ साजिश करने के अलावा भी आप अपना दिमाग किसी और विषय पे भी चला सकती है। धन्यवाद। आप भगवान में मानते हैं? हाँ जी। तो उनका धन्यवाद कीजिए, उन्होंने आपको बचाया। अभी 2 मिनट पहले हमारा दिमाग बहुत गरमाया हुआ था, लेकिन अब हमको आपसे काम है, अपने न्यूज चैनल पर जो हम आपको बताएंगे वो चलाएंगे। क्या करेंगे? न्यूज चलाना है। कहाँ पर? अपने चैनल पर। चलिए घर पे खाना भी बनाना है। आ रहे ना हमारे हसीना मैम। संतु, हसीना मैम, हसीना मैम। हाँ, क्या हो गया? हसीना मैडम कहाँ है? अब ये क्या हो गया प्यारे, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं शोर मचा रहा हूँ या आप मैडम? हाँ लेकिन हुआ क्या है, क्या हो गया ऐसा? ये देखिए मैडम,
जैसा भी है ना ठीक ही है। पापा अगर मैं इस इंसान से शादी करूंगी ना तो जिंदगी भर ये मेरा एहसान मानेगा। और वैसे भी इसे कौन मिलने वाली है, हमेशा मेरा पालतू पति बन के रहेगा। शुक्र मनाइए मैंने इसे शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देखिए मैम, वरना ये इंसान ना जिंदगी भर कुंवारा रह जाता। आपने वादा किया था मैडम ये वीडियो बाहर लीक नहीं होगा, फिर ये क्या है मैडम? करिश्मा सिंह जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मैडम सर, वो करिश्मा मैडम इस बारे में कुछ नहीं जानती है, ये मैंने किया है। नहीं नहीं संतू झूठ बोल रही है, ये हमने किया है। आप सब लोग ऐसे बलि का बकरा बनने को काहे तैयार हैं? सॉरी मैडम सर, हम किए हैं। ग्रेट, अब आप सब हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करने लगे। किसकी हिम्मत हुई है? क्योंकि आप सब ने ऐसा, हमने कहा था कि ये फुटेज बाहर नहीं जाना चाहिए, हमने इस आदमी से वादा किया था, हमने आप सब से रिक्वेस्ट की थी, फिर क्यों किया आप सब ने ऐसा? ना मैडम सर, आपके जवान का बहुत ख्याल रखते हैं इसलिए ये सब किया है। कहे कि आप भूल गई थी, लेकिन आपने इसी जवान से प्यारे को एक और जवान दिया था कि आप उसका साथ देंगी, आप उसका शादी कराएंगी, आप उनका दुख दूर करेंगी, तो आपका जवान खराब होते हुए हम सब कैसे देख सकते थे? इसलिए हम सब ने ये दुस्साहस किया।